नवरात्रि के मौके पर मास्क बिके या नहीं, इसे लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। इसमें AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी कूद गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए एक ट्वीट किया है। ओवैसी ने लिखा, मोदी बड़े उद्योगपतियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वैचारिक गुर्गों के लिए ईज ऑफ बिगिट्री यानी कि कट्टरता चाहते हैं। इसके आगे उन्होंने सवाल उठाया कि मीट कारोबारियों के आय के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। उन्होंने ये भी कहा, मांस अपवित्र नहीं है, ये महज लहसुन या प्याज की तरह भोजन है। सिर्फ 99% ही नहीं बल्कि 100% लोगों के पास मांस न खरीदने का विकल्प है अगर वे इसे खरीदना नहीं चाहते। ओवैसी का ये ट्वीट दक्षिण दिल्ली नगर निगम यानी कि SDMC के मेयर मुकेश सूर्यन के एक बयान के जवाब में आया है। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक इस बयान में सूर्य ने 4 अप्रैल को कहा था, नवरात्रि के दौरान दिल्ली में 99% परिवार लहसुन और प्याज का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि साउथ MCD में कोई मांस की दुकान नहीं खुलेगी। फैसला 5 अप्रैल से लागू होगा। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। लोगों की भावनाएं थी, लोगों का विचार था कि ड्यूरिंग नवरात्रा जब हम अपने घरों में लहसुन प्याज भी नहीं खाते, उसको भी बैन कर देते हैं और 99% दिल्ली में लहसुन प्याज यूज नहीं होता नवरात्रों के दौरान। ये पाक महीना है, इसमें लोग रमजान भी है, इसमें नवरात्रे भी हैं, माँ दुर्गा के रूप भी हैं। तो हमने ये फैसला लिया है कि जब हम लहसुन प्याज नहीं खाते तो नवरात्रों के दौरान में दिल्ली के अंदर हमारी साउथ MCD में कोई भी मीट शॉप पे काम नहीं होगा, कोई मीट शॉप नहीं खुलेगी। SDMC आयुक्त ज्ञानेश भारती को लिखे लेटर में सूर्य ने कहा, धार्मिक मान्यताएं और भक्तों की भावनाएं प्रभावित होती हैं। जब वे नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए जाते हुए मांस की दुकानों के सामने से गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्रि की अवधि के दौरान देवी दुर्गा के भक्त सख्त शाकाहारी भोजन के साथ 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और मांसाहारी खाद्य पदार्थों, शराब और कुछ मसालों के सेवन से भी परहेज करते हैं। इस लेटर के सामने आने के बाद नवरात्रि के दौरान मांस बिकने के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भारी बहस छिड़ गई है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी नवरात्रि के मद्देनजर मेयर आशा शर्मा ने मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया था। हालांकि विवाद पैदा होने के बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया और UP सरकार के आदेश का ही पालन करने की बात कही गई।